सबसे पहले मैं बोलूंगा, अगर आप इंडिया से हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। सऊदी में हैं, दुबई में हैं, कतर में हैं, ओमान में हैं, आप किसी भी जगह पर हैं तो क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? 100% है, हमारे भी माँ बहन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आप इतनी गंदी बुरी गिरी हरकत कर सकते हैं क्या? अब आप सोचिए कि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और आप सऊदी में कुछ इस तरीके से गंदगी फैलाते हैं या गंदी हरकत करते हैं तो क्या इज्जत मिलेगा आपको? वैसे तो हम जानते हैं कि सऊदी के अंदर में बंगाली भाई साहब हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं, बट मैं उनको नहीं बोलूँगा। अभी जो अपडेट आई है ऑफिशियली, एक इंडियन भाई ने किसी सऊदी लड़की को रोड पर चलते चलते छेड़ दिया। अब इतनी ज़्यादा क्या गर्मी थी आपको? इंडिया के शादी कर लो, क्यों बदनाम कर रहे हो अपने देश का? क्यों अपना इंडियन भाई की इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हो? कोई 10 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 12 साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल से सऊदी में रह रहा होगा भाई, इज्जत के लिए आदमी क्या नहीं करता, मरता मरता नहीं क्या नहीं करता, राइट? बट इस तरीके से आप हरकत करेंगे तो अच्छी बात है। तो हमारे जितने भी इंडियन भाई हैं, अगर इस बंदे को आप जानते हैं या आपके आसपास कभी कुछ इस तरीके की कोई इंडियन सोच भी रहा है, माइंडसेट भी ला रहा है, या मैडम के खिलाफ भी कुछ गंदी बातें कुछ भी करता है, तो यार छोड़ दो यार, अच्छा नहीं लगता। अब जो है सो है, कुछ भी कहो, भला बुरा, उनके ही रोजी रोटी से, घर से खर्चे से जो है अल्हम्दुलिल्लाह घर पैसा भेजते हो, तो बुरा भला क्यों बोलना किसी को, राइट? बहुत गलत न्यूज़ आई है। गलत न्यूज़ इसलिए बोलूँगा कि हमारे इंडिया का नाम डाल रहा है बंदा और इंडियन ही ने हरकत की है ऐसी, तो अच्छा नहीं लग रहा है। पर न्यूज़ तो बनाना पड़ेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आगे और भी लोग इस तरीके की गंदी हरकत ना करें। माइंडसेट अपना साइड रखो, ऐसी चीज़ें मत करो। काम करने गए हो, काम पे ध्यान दो, क्या उल्टी सीधी हरकत पे लग गए हो? आपके सामने न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। अलहसा जी, इस एरिया में मैं 4.5 साल रहा हूँ। दम्माम से 149 किलोमीटर दूर है अलहसा। अलहसा में एक एक कोना कोना मुझे पता है, बट मैंने कभी नहीं देखा किसी को। कहा क्या जा रहा है, यह न्यूज़ है यार। अलहसा में महिला को परेशान करने के आरोप में भारतीय नागरिक गिरफ्तार। सुरक्षा बल ने, जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक सऊदी महिला को परेशान करने के आरोप में विदेशी को गिरफ्तार किया गया है। अब परेशान क्यों किया होगा? हो सकता है कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई होगी भाई को। अभी पूरी बातचीत करेंगे। भाई का नाम है दिलावर हुसैन। दिलावर हुसैन भाई को बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई थी, तो गर्मी उतारने के लिए एसी के सामने ना जा करके वो मैडम कफील को छोड़ के सीधा चले गए सऊदी लड़की के पास में। लड़की को परेशान किया, और ये है हमारे दिलावर भाई। दिलावर भाई, मज़ा आ गया होगा आपको, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया होगा दिलावर भाई, है ना? अच्छी बात है। बताओ, आपके माँ बाप देखेंगे तो क्या कहेंगे? पता लगाओ घर पे तो क्या हरकत हुई। ये दिलावर भाई हैं जो कि इंडियन ड्राइवर थे, इन्होंने गंदी हरकत की है। इनको ऑफिशियली गिरफ्तार किया गया है और ट्विटर पे वीडियो शेयर की गई थी, बट वो वीडियो डिलीट कर दी गई है। कहा जा रहा है कि मीडिया उत्पीड़न, छेड़छाड़ और ऐसे मामलों में गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम और राष्ट्रीय के बारे में सूचित किया जाता रहेगा आगे, पहले नहीं बताया जाता था। ऑफिशियली मैं आपको बताऊँ, ये जो अपडेट आप देख रहे हैं ये न्यूज़ बताया नहीं जाता, बट इनको अब बताना पड़ रहा है। ये रियाद, दम्माम, जिद्दा, इन सब जगहों के भाई भी यार थोड़ा ख्याल रखो यार, ऐसी न्यूज़ ना बनवाओ अपनी। क्यों अपनी घटिया से घटिया हरकत कर रहे हो? अब आप सोचो, इस तरीके से हमारे दिलावर भाई हैं, कल कोई और भाई होंगे, इस तरीके की न्यूज़ छपेगी तो अच्छी बात है। इनके पीछे इनके माँ बाप होंगे, फैमिली होगी, बहन इनकी भी होगी माशाल्लाह। तो ऐसी न्यूज़ अगर उनके घर वालों को पता लगा होगा कि लड़की को छेड़ने में आपका बेटा गिरफ्तार हो गया है, तो आप बताओ उनके घर वालों को कैसा लगा होगा? अच्छी बात है, इंडिया के हो यार, इस तरीके से बताओ। 140 करोड़ की आबादी हमारे भाई, और हमारे 2-4, 5 लाख, 10 लाख लोग सऊदी में जॉब करते हैं, गल्फ में जॉब करते हैं, 15-15, 20-20 साल से जॉब करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कोई दूध के धुले नहीं है, सब लोग तो VPN तो यूज़ करते ही हो, VPN यूज़ करके लड़की के साथ क्या क्या नहीं करते हो, चलो जो है सो, बट पैसा की बर्बादी मत किया करो। इस तरीके से गंदी हरकत मत करें और ऐसा चीज़ें, गलत चीज़ें प्रमोट ना करें, और जो भी इस तरीके से कर रहा है उनको आप लोग जा करके समझाइए कि ऐसा माइंडसेट अपने दिमाग में मत लाओ, या फिर काम वाली के पीछे मत भागो। 10 रियाल 20 रियाल के चक्कर में आप उसका रिचार्ज कराओ, वो आपकी ऐसी की तैसी करती जाए, आपका वीडियो बना ले चुपके से, आना मालूम इन तो ईजी आना आती बाबा वीडियो, मैं वीडियो दिखा दूंगी बाबा मामा को, और आपको ब्लैकमेल कर रही है। एक दिन छुपाओगे, आगे परेशान रह जाओगे, फिर आप अपने घर वालों से भी लड़ोगे, दोस्तों से भी लड़ोगे। तो ऐसे माइंडसेट मत रखो यार, ज़िंदगी में काम करना है, आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों के पीछे रहोगे, बताओ ऐसी चीज़ें करोगे तो अपने घर की भी इज्जत दबोगे और आसपास के जो भी हमारे इंडियन भाई का जो नाम बचा वो भी नाम ख़राब करोगे। वीडियो शेयर कीजिएगा, और मुझे बहुत बुरा लगा आपने इस तरीके से हरकत की, दिलावर भाई, बहुत गलत बात है, इस तरीके से मत करो। शुक्र है कि इन्होंने छेड़छाड़ लिखा है, कोई बलात्कार ना लिखते तो गर्दन ही काट देगा, बताओ। शेयर कीजिए वीडियो को, और बुरी हरकत करने वाले को आप लोग तालीम दीजिए,
दुआ नमाज के पीछे जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ ना कुछ न्यूज़ आप देखते हैं तो समझिए, उससे सीखिए। अल्लाह हाफिज़।